अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। देखा जलसे में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं आप हर जगह पे, आखिर आज ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या सोच लेके यहाँ आए कि खान साहब क्या ऐलान करने जा रहे हैं? बाद में बताऊंगा, पहले मियां नवाज शरीफ की तारीफ कर लो थोड़ी सी। बिल्कुल करें, मियां नवाज शरीफ की तारीफ करने लगा हूँ। तारीफ कर रहे हैं ना, गौर से सुनना। तारीफ कर रहे हैं ना? हाँ जी तारीफ कर रहा हूँ। जे तू मियां चोर ना होता, जे तू मियां चोर ना होता तो लंदन कदी ना जाता। जे तू मियां चोर ना होता तो लंदन कदी ना जाता। खा के कौम दे पैसे चोरा ना लंदन महल बनांदा। ओ असी भी तेरे वोटर होंदे, तू भी जश्न मनांदा। चोरा वांगू वड्या चोरा मूंह ना इंज लकांदा। जे तू मियां चोर ना होता तो लंदन कदी ना जाता। ये बताएं आप जो हैं आज क्या खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं और आप किस लिए यहाँ पे? वो खान साहब जो भी ऐलान करें, आके कहें गर्दने कटवा दो, कटवा देंगे। को मेरी खातर कुर्बानी दे दो, दे देंगे। हम कुर्बानी के लिए तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार है, खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार है। हम नहीं मानते चोरों की हुकूमत। खान साहब मैं ऐलान करता हूँ, मैं नहीं मानता चोरों की हुकूमत। हमारा वजीर आजम इमरान खान है, रहेगा और क्यामत तक, जब तक मेरी सांस में सांस है मेरा वजीर आजम इमरान खान, मेरे बच्चों का वजीर आजम इमरान खान, मेरे बच्चों के बच्चे का वजीर आजम इमरान खान। ये चोर लुटेरे जाके छांगा मांगा मैं अपनी हुकूमत कर ले। खान साहब ने कहा कि अगर उन्हें जेल भेजा गया वो और खतरनाक हो जाएंगे। कौन सी जेल है? और मैं नहीं मानता कोई जेल झूल को। हम यूं उठाएंगे अपने खान को, तख्त के बैठा देंगे। ये करके देखे जेल, ये सारे चोर लुटेरे के लिए एक जेल बना के छांगा मांगा के अंदर उसके अंदर बंद कर देंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा। आपको पैगाम देना चाहेंगे हुकूमती जो है अहलकारों को, ये राणा सनाउल्लाह को, ये मरियम? मैं कहता हूँ कि वाम इकट्ठी होगी 12 करोड़ 22 करोड़, अपना बंदोबस्त कर लो। एंड आपको यूं पकड़ा हमने चौकों में। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि कौन सा राणा, और किस राणे की बात करते हो आप? वो जो चोर है, जो डाकू है, जो कातिल है, उस राणे की बात करते हो जिनको पता ही नहीं इंसान की वैल्यू का, इंसानों की कदर का पता? वो जंगली जानवर है। मैंने पहले भी कहा ये जंगली जानवर छांगा मांगा जंगल के अंदर जाएगा सारे। छांगा मांगा में जाएंगे जंगली जानवर। हुकूमत पाकिस्तान पे खान के होगी, इमरान खान के होगी, वजीर आजम हमारा वो होगा इंशाल्लाह। -1 की आवाज़ें गूंज रही, कौन सा -1 कौन होने जा रहा है? ये पीडीएम सारी -1 होने जा रही है, सिर्फ खान की हुकूमत होगी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, ये -1 है। बहुत शुक्रिया, याद रखना मेरी बात इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और जो चोर ना हो, लुटेरा ना हो, डाकू ना हो, आवाम तो उसी के साथ होती है। इन्होंने लूटा, खाया, कमाया, लगाया, हिस्से बांटे हैं। और जिन्हों जो लेके ले लो, जो लेके लोग लेके आए हैं उनके, इनको लाने का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान जो गलत है। इनका मकसद ये है कि वो इमरान खान हिस्सा नहीं देता इनको, इनको हिस्सा नहीं देता था। ये हिस्सा मांगते हैं, जो लाने वाले हिस्सा मांगते हैं। वो हिस्सा मिलना शुरू हो गया, वो उनके साथ हो गए। ये सारे चोर लुटेरे हैं। मुफ्ता इस्माइल ने यह कहा कि अगर वो कर्ज ना लेते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। ये उन्होंने कहा पिछली हुकूमत दिवालिया करके गई थी, खुद किया दिवालिया, अरबों डॉलर कर्जा लिया। हमारे बच्चे बच्चे में क्रूज है, मेरे बच्चे में क्रूज है, आपके बच्चे में क्रूज है, सारा पाकिस्तान में क्रूज है। सारा पाकिस्तान आधे से ज्यादा तो गिरवी है, इन्होंने मक्रूज किया। ये लंदन वाले फ्लैट बेच रहे हैं, फैक्ट्रियां बेच रहे हैं, कहा ये सारा लूटा हुआ माल इधर। कहा ये जाता है कि जितना कर्ज इमरान खान ने लिया इससे पहले हुकूमत किसी ने नहीं लिया। इन्होंने लिया कर्ज, उसने कौन सा कर्ज लिया? और इनके जो कर्ज लिया उनको किश्तों अदा की है। ये निज़ाम ही ऐसा बन गया, जब तक कर्ज लेके किश्तें अदा करनी पड़ती है। इन्होंने बर्बाद कर दिया दारों को, अब करप्शन की बादशाही है पाकिस्तान में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी।